हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिंदुस्तान का दिल। जी हाँ, मैं दिल्ली, लॉकडाउन वाली दिल्ली आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके का मानो सन्नाटा बरपाया है। और यहाँ पर जो कल तक लॉकडाउन से पहले एक रौनक दिखाई देती थी, लोगों को यहाँ पर चहल पहल दिखाई देती थी, ये सबसे हैपनिंग दिल्ली का एरिया है कनॉट प्लेस, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ 2400 घंटे इतनी रौनक रहती थी, लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता था, मगर इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। पूरा कनॉट प्लेस मानो जो आज से पहले हमने अपने होश में कभी नहीं देखा। एक ऐसा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इस लॉकडाउन में हम लोगों को इन सब का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। जैसे आप लोगों ने सभी एक दूसरे का, आस पड़ोस का ख्याल रखा है, उसी तरह आप लोगों ने इनका भी ख्याल रखना है, फिर ये भी भूखे ना रहें। इंडिया गेट आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब मना है। मैं बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा हूँ आपको ये व्यू दिखाने का, क्योंकि इस वक्त इंडिया गेट पे थोड़ा काम भी चल रहा है, जो नया प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है उसकी वजह से। मगर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, और इंडिया गेट जो बहुत ही रौनक वाली जगह है वो किस कैसी दिखती है। राइट हैंड साइड में इस वक्त मेरे है पुराना किला, जो दिल्ली जू के पास में है। आप लोगों को जिसको नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये वही पुराना किला है, ऐतिहासिक किला है, ऑब्वियसली हिस्ट्री बड़ी जुड़ी हुई है, मगर अभी हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको वो जगहें दिखा रहे हैं जो दिल्ली की हाईलाइटेड जगह हैं, और इस वक्त दिल्ली में किस तरीके का यहाँ पर सन्नाटा है लॉकडाउन में। प्रगति मैदान, जो पहले जहाँ पर आप देखते थे इंडिया ट्रेड फेयर लगा करता था, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर चलता था हर साल नवम्बर में, मगर इस वक्त यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इन पेड़ों के पीछे। अब जो व्यू आएगा आपके सामने वो उन चैम्बर्स का है जहाँ पर पहले कभी दिल्ली के अंदर एक अम्यूजमेंट पार्क हुआ करता था, अप्पू घर के नाम से। जो इस वीडियो में ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका एज ग्रुप 30 से अबव है, उनको जरूर पता होगा कि अप्पू घर कितनी फेमस जगह हुआ करती थी। और अब हम आगे पहुंच गए हैं फाइनली आईटीओ पे, जो दिल्ली का सबसे बिजी रोड जिसे मैं बोलता हूं। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर और ऐसे कई गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं बड़े बड़े, जिसको यहाँ पर देखा जा सकता है। और यहाँ का ट्रैफिक आपको मैं बता नहीं सकता, अमूमन यहाँ का जो ट्रैफिक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है दिल्ली के और दूसरे एरियों के अगर हम कंपेयर करते हैं तो। एक और मैं अपने बचपन से जुड़ी एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है डॉल म्यूजियम, जो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और जो इस वीडियो में देख रहे हैं आप देख सकते हो, ये बच्चों के लिए है डॉल म्यूजियम है। यहाँ पे छोटी मोटी बच्चों के लिए गुड्डे गुड़िया, छोटी छोटी मतलब कार्टून्स टाइप की अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। और मैं उन सभी लोगों से कहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं, एक बार इस जगह को ज़रूर विजिट कीजिए। तो पर अब मैं यहाँ से रेड लाइट से राइट लेने के बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक रामलीला मैदान, जो आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, रामलीला मैदान। जी हाँ, यहाँ पर केजरीवाल गवर्नमेंट ने अभी कोविड का 500 बेड का एक सेंटर चालू किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ पे इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर बना है तो ऑब्वियसली, और ये इन्होंने 15 दिन के अंदर तैयार किया था। उससे पहले ये रामलीला ग्राउंड अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से मशहूर था, और यहीं पर ही केजरीवाल जी ने अपने मुख्यमंत्री होने की शपथ ली थी। और इसी आसफ अली रोड पे हम आपको दिखा सकते हैं डिलाइट सिनेमा हॉल, ये शायद मुझे ऐसा लगता है मेरे तो खैर पैदा होने से पहले का ये हॉल है, और ये यहाँ पर ऑलमोस्ट आज़ादी के बाद से है, ये पहले से इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बट मेरे पैदा होने से पहले है तो ये 40-50 साल पहले का ही है। यहाँ पर डिलाइट सिनेमा है, ये आसफ अली रोड है पूरा, जो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि कॉरपोरेट ऑफिसेज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और उसकी पार्किंग यहाँ पर है राइट हैंड साइड में। अब हम पहुँच गए हैं एक ऐसी जगह
जिसका स्पेशली जहाँ पे मैं आपको लेकर आया हूँ, जिसको मैं आपके बारे में बता रहा था कि दिल्ली गेट, ये उसी वॉल्ट सिटी का, पुरानी दिल्ली का, दिल्ली 6 का इंटर होने का ये एक और गेट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम वहाँ जाने वाले हैं और उस गेट को दिखाएंगे जहाँ से एंट्री करते हैं। आई एम श्योर इस कोविड की सिचुएशन में आप लोगों ने अपने पड़ोसियों के, अपने नियर वन और डियर वन, अपने रिश्तेदारों के और अपने सभी दोस्तों की आपने खूब बखूबी मदद की है, चाहे वो राशन से लेकर हो, खाने से लेकर हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने से लेकर हो, उसकी आपने बहुत हेल्प करी है। मगर एक और हेल्प है जो आप लोगों को नहीं भूलनी है। मुझे मालूम है आपने बहुत सहयोग किया है इस कोविड की सिचुएशन में, तो आपने इन मासूम पशु पक्षियों का, जानवरों का, स्ट्रीट डॉग्स का, कैट्स का, सबका ध्यान रखना है जो इस कोविड की सिचुएशन में वाकई में भूखे हैं। इनको भी खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ये हमें भूलना नहीं है। और मैं सबसे अपील करता हूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा सा इनिशिएटिव लेना है अपने आसपास, क्योंकि गर्मी का वक्त है, आपको मालूम है यहाँ पर जितने पशु पक्षी हैं आधे से ज़्यादा इस वक्त गर्मी की वजह से मर जाते हैं। तो आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि कहीं हो सके थोड़ा पानी का इंतज़ाम कर दें और थोड़ा थोड़ा खाने का इंतज़ाम कर दें, तो इसमें सबका भला होगा, इन जानवरों का, मासूम बेजुबान जानवरों का भी भला होगा, और जाहिर सी बात है कि कोविड की सिचुएशन से हम सभी लोग बहुत जल्दी बाहर भी आ जाएंगे। और ये है हमारी कौन सी लॉकडाउन वाली दिल्ली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे इस वक्त आप देख सकते हो, जी हाँ, दिल्ली के दिल जिसे बोलते हैं राजघाट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस यू एवर सीन। ये वो खूबसूरत जगह है राजघाट, जहाँ पर गांधी समाधि भी जिसे बोलते हैं, और इसी से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, उन सभी की समाधि यहीं पर है, इस पूरे रोड पर है। ये रोड पूरा ऑलमोस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर का, इसके पीछे की जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है, बट क्योंकि इस वक्त कोविड की वजह से ये अंदर से बंद है या एंट्री नहीं है, मैं आपको बाहर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली में लॉकडाउन की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, और यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको यहाँ से भी दिख जाएगी, बाहर रहते हुए भी पता लगेगा कि राजघाट वाकई में कितना खूबसूरत है। और कभी आप लोगों को मौका मिले जो दिल्ली नहीं आए और दिल्ली के बाहर हैं, तो प्लीज़ राजघाट एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा। ये दिल्ली की वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट जिसे हम सब लोग जानते हैं, ये पूरी होलसेल मार्केट है हार्डवेयर की, वेडिंग कार्ड्स की। और नाउ वी हेडिंग टूवर्ड्स जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद का मैं आपको एक वो भी दिखाना चाहूँगा, और एक झलक कि इस लॉकडाउन वाली दिल्ली में जामा मस्जिद कैसी दिखने वाली है। पुरानी दिल्ली गेट नंबर 2 जामा मस्जिद, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये इतना खूबसूरत मंजर है, ये पूरे वॉल सिटी का मैं यहाँ से आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखा सकता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल सिटी के अगर हम अंदर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कंजेस्टेड गलियाँ हैं और रोड हैं वहाँ पर। बट यस, यहाँ से मुझे एक मौका मिला ये सब कैप्चर करने का, जहाँ बिल्कुल इस जामा मस्जिद के सामने आपको एक छोटा सा व्यू दिखेगा लाल किले का, मगर वो मैं पास से दिखाने वाला हूँ आपको थोड़ी ही देर में। बट उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ शाहजहानाबाद कितना खूबसूरत था जब शाहजहाँ ने इसको बनाया था, और इस जामा मस्जिद से को बनाने का पीछे ये मकसद था कि सामने ही लाल किला था, और लाल किला और शाहजहानाबाद बिल्कुल आमने सामने, मगर क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त चलते यहाँ पे चीज़ों में बहुत बदलाव आए, नए नए बिल्डिंग्स बन गए, तो वो चीज़ें और विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, मगर आज भी जामा मस्जिद उतनी ही खूबसूरत आपको दिखेगी जितनी कई सालों और सदियों से दिखती आ रही है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ उस जगह को आपने आज से पहले अपनी टीवी स्क्रीन में आई एम श्योर हर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को दिन देखा होगा, मगर आज ये हमारे ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं पहुँचा हूँ अभी लाल किला, देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है रात का ये मंजर लाल किले का, जो हमेशा इसी तरह 365 डेज रात में इसी तरह दिखता है, खूबसूरत सा चमचमाता हुआ। और इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए उन्होंने, आप दिल्ली गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट की जिसकी मैं बात करता हूँ, चांदनी चौक टू फतेहपुरी तक का एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने डेवलप किया है, उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया कि लाल किले से फतेहपुरी तक का जो रोड है वो बिल्कुल व्यू बिल्कुल क्लियर आपको दिखे। आई एम श्योर वो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी आपको चांदनी चौक के आगे जाके दिखाने वाला हूँ कि वहाँ वो खूबसूरत सा मंजर और नज़ारा वो कैसा अब बन गया है, मगर मेरे पीछे जो लाल किला
ये भी शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को भी मैंने आपको दिखाया और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमेशा हर साल प्रधानमंत्री 15 अगस्त को यही झंडा फहराते हैं। As I have shown you the Jama Masjid, the beautiful Jama Masjid. After that, now I am at Chandni Chowk. और चांदनी चौक पे यहाँ मैं आपको मेरे राइट हैंड साइड पे दिखाने वाला हूँ वो खूबसूरत सा प्यारा सा सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च। जी हाँ, देख सकते हो ये भी आज़ादी से पहले का ही बना हुआ है ये चर्च। इसका भी एक इतिहास है जिसके बारे में मैं आपको अंदर जाने का मौका भी है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, दिखा नहीं पाऊँगा। मगर यही पुरानी दिल्ली की, दिल्ली 6 की खूबसूरती है कि वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे हर मज़हब के लोग, हर रिचुअल्स के लोग, हर कस्टम्स अपने यहाँ पर मनाते हैं। और आप मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये वही व्यू है जहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पीछे मेरे लाल किला है और अगर मैं उसके अपोजिट साइड पे देखूँगा तो वो फतेहपुरी का वहाँ पर व्यू है जो अभी यहाँ से बहुत दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। बट इसको एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। यहाँ पहले दिन रात रिक्शा पुलर यहाँ पे चला करते थे, दिल्ली विजिटर्स की यहाँ भीड़ रहा करती थी, जो अब इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट नहीं है। इसको बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन किया है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मज़हब वाले हैं, जितने भी रिलीजन वाले हैं, सब आसानी से उनकी अप्रोच हो सके, वो पहुँच सके यहाँ पर। चाहे वो क्रिश्चियन का हमारा चर्च हो, उसके पीछे हमारा गुरुद्वारा है जहाँ मैं आपको जाने वाला हूँ। खजाना बात की जिस खूबसूरती की मैं आपको बात कर रहा था और हमारी लॉकडाउन वाली दिल्ली की जिसकी मैंने बात की उसकी खूबसूरती में और चार चांद लगाने के लिए मैं आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, चांदनी चौक पे स्थित गुरुद्वारा शीशगंज, जिसको दुनिया में बहुत मशहूर ये गुरुद्वारा है, जिसमें अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है। और यहाँ की खूबसूरती आप देखें, ये 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं अभी भी गुरुद्वारे में मौजूद हैं। और इतना खूबसूरत सा मंजर है और पता है शाहजहानाबाद को और भी ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ बनाती है, जिस तरीके से यहाँ पर गुरुद्वारा है उसी के बराबर में यहाँ एक मस्जिद है। कहते हैं ना कि यहाँ आपस के गंगा जमुना प्यार को जो दिखाया गया है वो असली पुरानी दिल्ली में आप देख सकते हो कि जहाँ एक तरफ जैन मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमारे सिर्फ आपको शाहजहानाबाद में ही मिलेंगी क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का दिल्ली जो ठहरा और हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है पुरानी दिल्ली और पुरानी दिल्ली का दिल है शिराज खान। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये लॉकडाउन वाली दिल्ली पसंद आई होगी। लॉकडाउन वाली दिल्ली और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अब आपसे मैं मिलने वाला हूँ एक नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टूर पर।